जनता के एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री आपसे बोल रहा हूँ, उंगली मत दिखाइए, नहीं उंगली मत दिखाइए, बोल रहा हूँ, सुनी सुने तो आप शांति से बताइए ना, लेकिन उंगली दिखा के तुम्हारा तहसीलदार ऐसे तमीज से बात करिए। एसडीएम ये कि पहले तो धन भर लूटता था, अब इज्जत भी लूटने लगा है, ऐसे तमीज से बात करिए। लोगों को फर्जी फंसाते हैं और उनसे साथ लूट कराते हैं, ऐसे तमीज से बात करिए। लोगों के साथ अन्याय और बदतमीजी कराते हैं। फिर हटाइए आप अपने पब्लिकली कैमरे में हटाइए, नहीं तो जूते की माला पहना करके विदा करेंगे जहाँ के तहाँ होंगे। आपसे बोल रहा हूँ, उंगली मत दिखाइए, नहीं उंगली मत दिखाइए, बोल रहा हूँ, सुनी सुने तो आप शांति से बताइए ना, लेकिन ये उंगली दिखा के तुम्हारा तहसीलदार ऐसे तमीज से बात करिए। आपसे बोल रहा हूँ, उंगली मत दिखाइए, नहीं उंगली मत दिखाइए, बोल रहा हूँ, सुनी सुने तो आप शांति से बताइए ना, लेकिन ये उंगली दिखा के तुम्हारा तहसीलदार ऐसे तमीज से बात करिए। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से, जहां विधायक के संरक्षण में अधिकारियों की चल रही मनमानी के विरोध में क्रमिक अनशन जारी है। इस अनशन का समर्थन करने किसान नेता भी पहुंचे। दरअसल विगत दिनों सिरमौर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री के सामने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों के साथ भी एक बार फिर बदसलूकी हुई। दरअसल ज्ञापन सौंपते समय किसान जब अपनी समस्याएं बता रहे थे तो अक्सर भड़कने वाले एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री का पारा फिर चढ़ गया और उन्होंने किसान को कहा उंगली मत दिखाओ, जबकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किसान एसडीएम को नहीं बल्कि अपने क्रियाकलापों पर उंगली उठाते हुए अपनी समस्याएं बता रहे हैं। एसडीएम से परेशान किसान सिमरिया तहसील के सामने चल रहे एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के क्रमिक अनशन में शामिल हुए। समर्थन करते हुए किसानों ने बताया कि सिमरिया विधानसभा के अधिकारी राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के चलते बेलगाम हो चुके हैं, फरियादियों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं। आपको मालूम है कि एसडीएम नीलमणि और नायब तहसीलदार अनुपम के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं, इसके बावजूद इन्हें नहीं हटाया जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि अधिकारियों का स्थानांतरण होना आम बात है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्हें अंगद के पांव की तरह सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में जनता के शोषण के लिए जमा कर रखा गया है, जिनके द्वारा स्थानीय लोगों का शोषण किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिमरिया तहसील के सामने चल रहा धरना प्रदर्शन अब जन आंदोलन बनता जा रहा है और अधिकारियों से पीड़ित लोग धरना स्थल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं कैसी छोटी छोटी बातों पर नीलमणि अग्निहोत्री भड़कते हैं और लोगों का क्या कहना है। जो ज्ञापन देना चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए, आप फिर हटाइए आप अपने पब्लिकली कैमरे में हटाइए, नहीं तो बारे में क्या कहना है आपका। आज आप लोगों का किसान महासम्मेलन का कार्यक्रम था, आज मध्य प्रदेश किसान सभा का पूर्व से नियोजित है किसानों और मजदूरों के संबंध में यहाँ पर धरना था और यहाँ पर जो पहले से क्रमिक अनशन चल रहा था उसके समर्थन में किसान सभा ने अपना समर्थन ये जो समस्याएं हैं यहाँ पर आवारा पशुओं की समस्या है
और गरीबों के पट्टे के सवाल, भूमिहीनों के पट्टे के सवाल के को लेकर और खाद बीज के सवाल को लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश किसान सभा ने प्रदर्शन किया। आधुनिक अधिकारियों का रवैया यहाँ पर पहुँचता ईश्वर शाही का है और किसी की ये धरोहर नहीं है। ट्रांसफ़र के नियम है, ट्रांसफ़र होने चाहिए और जो गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप यहाँ पर किस मांगों को लेकर आए थे आज? यहाँ पर सिमरिया में बहुत व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे पुलिस विभाग में जाइए वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे तहसील में जाइए वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, जहाँ भी जाओ वहाँ पैसे की मांग होती है। हम भारतीय किसान यूनियन के संगठन मंत्री ब्लॉक सेवरिया से आप बोल रहे हैं? जी जी बताएं। अभी हम अपने तहसीलदार को ज्ञापन देने गए थे, 26 तारीख को हमारा कमेटी की बैठक है भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश कमेटी की। जी तो मध्य प्रदेश कमेटी की बैठक में हमने अल्टीमेशन तैयार किया जी कि सेवरिया तहसील के अंदर जो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार है जी उसको खत्म करने के लिए किसानों के गौशाला के लिए और भारतीय खाद बीज के लिए ये अल्टीमेशन तैयार किए थे हम। जी जी तैयार करके हमने ज्ञापन देने गए तो तहसीलदार जो नया लड़का आया है ये चेहरा हमारा नहीं जानता था कि ये संगठन मंत्री हैं किसान के, और अनुपम पांडे को पता था कि ये संगठन मंत्री हैं जी, तो उन्होंने हमारे ज्ञापन को हाथ में लेके मुट्ठी में गुरमेट लिया, जैसे कागज को फाड़ा नहीं लेकिन इतना रद्दी कागज कर दिया उसको गुरमेट के, और कहा कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम बुला लो जिसको बुलाना हो, नहीं लेंगे। कॉलर पकड़ लिया हमारा, जब कॉलर पकड़ा तो हमारे साथ में दो आदमी और थे, अशोक कुशवाहा भागवत प्रसाद तिवारी, हमने भी उनका कॉलर पकड़ा, हाथ हमारा घुमाया, हमने भी घुमाया और हमने कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी तुम बुलवा लो, पुलिस को बुलवा लो और चाहे जिसको बुलवा लो, हम भागने वाले नहीं है, आज के बाद हम तुम्हें कभी ज्ञापन देने भी नहीं आएंगे। 26 को हमारा पूरा किसान यूनियन तुम्हारे दरवाजे पर बिना सूचना के बैठेगा, क्योंकि तुम हमारा जिस तरीके से अपमान किए हो वो पूरे किसानों का अपमान है, हमारा अपमान पूरे किसानों का अपमान है। बिल्कुल। और फिर वो धक्का मार के दोनों तहसीलदार और नायब तहसीलदार जी, और हम तीन से वो 8-10 कर्मचारी हो गए, तो उन्होंने 8-10 लोगों ने मिलकर ये कहा कि तुम्हारी नेतागिरी हम गांड में गुजेर देंगे और तुमको तुमको जो करना हो, चाहे तुम कलेक्टर के यहाँ चले जाओ चाहे SP के यहाँ चले जाओ, तुम्हारी हम ऐसी तैसी करेंगे। तो हमने कहा ऐसी तैसी तो तुम हमारी कर चुके हो, अब क्या बचा है जब तुम्हारे कॉलर पे हाथ लगा दिए। तो ये बताइए कि जो उंगली दिखाने की बात कर रहे थे SDM, तो उसी घेराव के दिन ही कह रहे थे, जब पहले आपने अल्टीमेटम दिया तो नायब तहसीलदार ने कहा, जब आप ज्ञापन देने गए तो SDM कह रहे थे उंगली मत दिखाओ। SDM की बात नहीं है, हाँ ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे जो है जी जी जी, SDM तो थे नहीं आज, SDM तो आज ऑफिस पे नहीं है। अच्छा, आज फिर से आपके साथ घटना घटी, आज की बात है ये? हाँ, हम SDM को अलग बनाया, तहसीलदार को अलग बनाया और इनको हमने अलग बनाया आपके थाना प्रभारी को जी। पर जब हम घुसते हैं तो जो जिस तरीके से दुर्व्यवहार हमारे साथ तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे ने किया, ये क्या हमारे संविधान के मुताबिक हम इतना गुलाम थोड़ी हैं कि भाई तुम ज्ञापन में हमारा गुरमेट दिया और हमारे ऊपर कॉलर लगा दिया। अच्छा, ये क्या जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इस पे भी ये मतलब खींचे हुए हैं, खिसियाए हुए टाइप का है इस पे? हाँ हाँ ठीक है, खिसियान बिलारी खम्भा नोचा थी, हम जाने थे जी संपादक महोदय, हम जानते हैं कि किसान बिलारी खम्भा नाचा थी, लेकिन हम 26 को अब कोई खबर नहीं देंगे। हम स्वयं गवाही हैं, हमारे साथ अशोक कुशवाहा और श्री भागवत प्रसाद तिवारी, हम तीन साथी थे, तीनों साथी की बेइज्जती हुई, तीनों साथी को धक्का लगाया गया और दोनों तहसीलदार और नायब तहसीलदार मिलके 8-10 बाबू लोग मिलके ये लोग हमको धक्का लगाकर तहसील के बाहर की। ये बताइए कि किस किस तह पर आखिर इस तरह से जनप्रतिनिधियों आप संगठन वालों के साथ बेसुलूकी करते हैं, लोगों के साथ बेसुलूकी करते हैं, किसान नेताओं के साथ करते हैं, किसका संरक्षण चाहते हैं इनको? हाँ,
तो अब ये हम आपसे इसलिए कह रहे हैं, हमारे ये मित्र हैं साथी जो आपके मोबाइल, जिनसे मोबाइल से बात हो रही है जी, और ये जानते हैं हमको ईश्वरदीन पटेल को जी जी। हम कई वर्षों से तहसील में इन लोग कर्मचारियों की ऐसी तैसी करते रहते हैं, समय समय पर मंच बनाकर जनता के मुद्दे उठाते हैं आप। जनता के मुद्दे उठाते हैं और उसके लिए हम अपने साथियों को तन मन धन का भी सहयोग करते हैं। हम मध्यम वर्गीय किसान हैं, मध्य प्रदेश में हमारा जो यूनियन है वो उसके हम सलाहकार भी हैं। अब क्या चाहते हैं आप इनके खिलाफ, क्या चाहते हैं? अब इनके FIR नोट होना चाहिए भाई, FIR इनके खिलाफ होना चाहिए। हम अब थाने जाएंगे, क्या लगता है न्याय मिलेगा इनके खिलाफ जाएंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हम 26 तारीख को इनकी खोपड़ी फाड़ देंगे। बता, आप लिख दीजिए ईश्वरदीन पटेल जेल में जाएगा और अनुपम पांडे और ये लड़का जो आया है लौंगड़ा नया सह तहसीलदार जी, इनकी हम खोपड़ी फाड़ के हम जीवन आजीवन कारावास में रहेंगे, ये लिख दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, आपका क्रोध उचित है, आप किसी प्रकार से हिंसा का उपयोग ना करें, आप धरना प्रदर्शन हाँ, कर रहे हैं। हमारा मीडिया में सहयोग करिए और ये गुंडा बन के जिस तरीके से हमको कॉलर में हार लगाए हैं, हम भी कॉलर पकड़े हैं, अभी हम 3 थे ये 6 हो गए, फिर भी हमने कहा कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे और फाड़ेंगे, कॉलर फाड़ेंगे खोपड़ी, और जितने बड़े तुम गुंडा हो इस तहसील के, गुंडागर्दी हम निपट लेंगे, हमारे पास जनता है, हम लोकतंत्र में बादशाह हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन करें, प्रशासन को मजबूत शांतिपूर्ण। प्रदीप सोगौरा बैठे हैं हमारे, और वो दिवाकर द्विवेदी बैठे हैं, हम इसमें लगातार 5-6 दिन से हम कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, हैं? ओ, हम अकेले नहीं हैं। चलिए बिल्कुल, मैं आपकी आवाज पहुंचाऊंगा। आवाज हमारी दबनी नहीं चाहिए संपादक महोदय, और ये आप लिख दीजिए कि ऐसा करने पर इनको हम हाथ पैर तोड़वा देंगे या ही फिर मुकदमा झेल लेंगे, हैं? बिल्कुल बात लिखिए, मैं कहूंगा लड़ाई ना करें, किसी प्रकार की हिंसा ना करें, शांतिपूर्ण से अपना आंदोलन करें, और अधिकारियों को भी चाहिए कि आपकी इज्जत करें। अरे अधिकारी तो मोटान है, घोड़ा बन गए हैं, इनका चाबुक लगा हमें चाहिए, घोड़ा लात मारने लगा है, शांति से बात करें तो वो लात मारते हैं, तो रास्ता क्या है? हम चाबुक लगाए तो घोड़ा सही हो जाए, ये सब सरकार की गड़बड़ी से हो रहा है, सरकार हमारे लोगों की बात को अनुपेक्षित कर रहा है। हमारा 5वां दिन धरना चल रहा, हम 5 दिन लगातार इस धरने पे चल रहे हैं, इधर ये हमारे अल्टीमेशन में ये अभद्रता कर रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा, जरूर मैं आपकी बात। धन्यवाद आदरणीय समाधि महोदय, धन्यवाद, ठीक, आओ। अपन देने गया, तुम्हारी नहीं लेंगे, तुम्हारा क्या? आराम से क्या बताएंगे? ये पांडे जो है ना, अनुपम पांडे, इन्होंने कहा कि नहीं लेंगे, जो तुमको करना हो कर लो, हमने कहा लेना पड़ेगा, अगर आप इस खोल के बैठे हो तो लेना पड़ेगा, तो हमारा कॉलर पकड़ लिया, हमारा कॉलर पकड़ करके 4-6 घूसे हमको मारा, और कहा पुलिस बुला के CI बुला के छपड़ी निकलवा लेंगे हम, कहें तुम्हारी भी ऐसी तैसी, तुम्हारी पुलिस बुलवाओ, कितनी पुलिस बुलवा रहे हो, अनुपम पांडे ने गुंडागर्दी किया हमारे साथ, अपमानित किया, और कहा कि हमने पुलिस बुलाकर छपड़ी, भगवत तिवारी अशोक कुशवाहा हमारे साथ चर्चा से कैसे हिम्मत पड़ गई उसकी, चमचे की कही की, हम आज खुले तौर पर कहना चाहते हैं, ऑफिस क्यों खोल के रखे हो, अगर तुम ऑफिस खोल के रखे हो तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से भारतीय किसान यूनियन का ज्ञापन लेते आ रहे थे, और तुम हमारा ज्ञापन ना लेते, ज्ञापन को आपने फाड़ क्यों दिया, ज्ञापन हमारा फाड़ा गया, हम उस बदले में हम कलेक्टर के यहाँ या हम यहाँ पर आवेदन के लिए तैयार है, विश्वजीत पटेल हमारा ज्ञापन को इस तरीके से, अरे भाई भारतीय किसान यूनियन का होने जा रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो तहसील भ्रष्टाचार मचा है उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने आ रहे थे, तो यहाँ के जो नए तहसीलदार और तहसीलदार ने अब इतना किया है कि हमारा छुट्टी का देना नहीं लेंगे, तहसीलदार और नए तहसीलदार दोनों ने नहीं लेंगे, हमारा कॉलर बचे हर वो नए तहसीलदार और तहसीलदार हम खोपड़ी फाड़ देंगे, बलावत और तुम बेटी बना लो, सम्मान के खिलाफ हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तुम्हारी ऐसी तहसीलदार दोनों की
हम 26 तारीख को यहाँ लाखों की संख्या में बैठ कर हम इनके तहसील में आग लगा देंगे। किसानों का एक आंदोलन 26 को और उसी का ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार के पास तहसीलदार ने कहा कि आज ज्ञापन नहीं दिया जाएगा क्योंकि तो हमारे साथी प्रदीप सिंह ने कहा कि अगर आप बोले हैं कार्यालय तो हमारा ज्ञापन केवल ले लेना रिसीव्ड दे देना है और कुछ नहीं करना। सुनने में ज्ञापन फाड़ा गया। हमारे जो नायब तहसीलदार है उन्होंने आकर के और इनके ऊपर गाली गलौज और हाथापाई करने इसलिए हाथापाई करने लगे कि उनका ये आंदोलनकारी लोग ट्रांसफर कराना चाहते हैं। उन्होंने ये सोचा ये अच्छा मौका है कि ये दो तीन आदमी आए हैं इनके ऊपर हाथापाई करें गाली दें।